मनाते हैं, जिस विभूति के विचारों पे चलते हुए आज जनता पार्टी चलते हुए आज 370 तोड़, कहां जम्मू कश्मीर, और हम जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं उन पे एक बहुत बड़ा इनका एहसान है कि जो भारत को, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग रखा जाता। भारत में हम सब बिल्कुल एक खुली सांस ले रहे हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की कर रही है। साथियों आपको बताऊं कि मेरे दादाजी, बातचीत होती थी पूछते रहने वाले पार्टी की, दादाजी खाना खाया आप सबने अक्सर, वो एक दिन ऐसा आया कि वो कहते हैं कि एक दिन हमें इन्हें वहां उस सेल से निकाल के बाहर लेंगे। उस समय शेख अब्दुल्ला की सरकार ने और नेहरू की सरकार ने इन्हें, मैं तो ये कहूँगा कि हत्या की है, और आज वही प्रकृति का जो नियम है वो आज उनके आगे की है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे, आज हम सब जम्मू जिला पश्चिम की तरफ से मनीष खजूरिया जी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम, उस महान विभूति को हम सब याद कर रहे हैं आज उनके जन्मदिन पर, और जिस तरीके से भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनसंघ की स्थापना जो थी एक सशक्त विपक्ष स्थापित करने के लिए हुई थी, लेकिन आज उसी का बड़ वृक्ष बढ़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी के रूप में विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुका है। हम सब जानते हैं कि 370 का उन दिनों में लगना, और दो विधान, दो निशान और दो प्रधान उन दिनों में जो जम्मू कश्मीर में प्रचलित थे, आज उसी की लड़ाई को लड़ते हुए उन्होंने उस वक्त 1947 के बाद से लगातार से प्रयास करते हुए एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की जो लड़ाई थी उन्होंने लड़ी। हम सब जानते हैं कि उनके इस जन्मदिन पर सबसे सही भेंट, सही मायनों में आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से 370 का जाना हुआ है, 35A का जाना हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत भेंट है। उस महान शख्सियत, वो जो स्वर्ग में बैठी होगी, और आज मेरा मानना है कि वो आज वहाँ बैठकर भी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में उनका दाखिला बगैर परमिट के, वो अपने आप में एक मिसाल थी। एक निशान, एक प्रधान और एक विधान की जो चाहत उनके मन में थी आज संपन्न हुई है। हम सब उस महान विभूति से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। मैं पुणे जिला के अध्यक्ष, दोनों मंडलों के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उस महान विभूति को आज हम सब ने उनके जन्मदिन पर याद करके उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। जय भारत, जय हिंद।